हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मी बैंड 4 के बारे में। तो यार आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने मी बैंड 4 में अपनी फोटो को लगा सकते हो, कोई भी इमेज हो या कोई भी मस्त सा वॉलपेपर हो वो आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे। अगर आप बोर हो गए हैं सारे ये अपने वॉच फेसेस से जो आपको मी बैंड में डिफॉल्ट देखने के लिए मिलते हैं दो स्टाइल, और गाइस जो आपकी मी फिट ऐप है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा है आपको यहाँ पर वॉच फेसेस मिलते हैं, बट आप अगर मेरी तरह हो कि आपको इसमें से कोई पसंद नहीं आ रहा हो, आप चाहते हो अपनी इमेज वगैरह लगाना, तो वो आप कर सकते हो। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने मी फिट एप्लीकेशन के अंदर जाना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर मी स्मार्ट बैंड का ऑप्शन होगा, आप वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर बैंड डिस्प्ले सेटिंग्स होंगी, जहाँ पर आपको सबसे पहले ऑनलाइन बैंड डिस्प्लेज मिलेंगी, जो कि मुझे तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पसंद नहीं आया है। अगर आप मेरी तरह हो तो भाई आपके लिए ये वीडियो है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कस्टम का, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको तीन वॉच फेस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो क्लॉक की पोजीशन है, डेट की पोजीशन है, वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है तीनों में। तो जैसी आपकी इमेज है जहाँ पर स्पेस खाली है वैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला करके दिखाता हूँ, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। देन ये फिर से आपको तीनों यहाँ पर ये दिखाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन होगा चेंज बैकग्राउंड का, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, और ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपको फोटो क्लिक करने का या गैलरी से सिलेक्ट करने का। तो हम यहाँ पर गैलरी से सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये वाली इमेज है आप, मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आप इसको क्रॉप करेंगे, तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो पहला वॉच फेस है उसमें जो क्लॉक है वो राइट साइड की तरफ है। तो गाइज मैं इस तरीके से इसको क्रॉप करूंगा ताकि जो टाइम है वो यहाँ पर राइट साइड में शो और मेरे फेस के ऊपर टाइम ना दिखे। तो यहाँ पर क्रॉप करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा का सिंक वॉच फेस का। अब आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका मी बैंड यहां पर कनेक्ट होना चाहिए आपके डिवाइस के साथ, यानी कि फोन के साथ। तो जस्ट आपको यहां पर सिंक वॉच फेस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपने मी बैंड में नोटिफिकेशन आ जाएगा सिंकिंग का, और उसके बाद जैसे ही सिंकिंग वो यहाँ पर कंप्लीट होगी, उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर वॉच फेस सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर आपका अप्लाई हो जाएगा, और बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत आसान तरीका है। तो भाई इस तरीके से आप कोई भी इमेज को यहाँ पर लगा सकते हो, कोई वॉलपेपर को सेट कर सकते हो, और बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो गाइस अभी के लिए स्टूडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना यार, क्योंकि मी बैंड 4 पे भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाली है। मैं इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो भी लेके आऊंगा। तो गाइस अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।